हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एक और वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एंड अगेन हम लोग आज एमसीक्यूज देखने वाले हैं ज्योग्राफी के। एंड गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस जितने भी आपने लेक्चर्स अभी तक देखे हैं इनकी पीडीएफ आपको हमारे जो ऐप है उस पर मिल जाएगी, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, जहां पर और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको आपके लिए अवेलेबल है। सो आप अगर इन जितने भी लेक्चर्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप अपना हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जेके एग्जाम क्रैकर, एंड वहाँ पर जो है आप स्टडी मटेरियल में जाकर आपको ये सारी पीडीएफ या इससे पहले जितनी भी हमने यूट्यूब पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं उनकी पीडीएफ जो है आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन, और जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन आ रहा है ध्यान से पढ़िए और इसको आंसर दीजिए। ठीक है गाइज, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स सोर्स सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, ठीक है, आपने बताना है कि नर्मदा जो है वो कौन सी स्टेट से निकलती है। तो योर ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है, बिल्कुल इसका राइट आंसर बन रहा है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द जोग फॉल्स, ये फॉल्स है गाइज, नॉट फेल्स है ये, ठीक है, सो इट्स फॉल्स, डबल एल एस, ठीक है, सो इट्स जोग फॉल्स। एंड जोग फॉल कहां पर है, कौन सी रिवर पर है, योर ऑप्शन इज तापी रिवर, सारावती रिवर, कावेरी रिवर और भीमा रिवर। सो इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल इसका राइट आंसर बनता है आपका सारावती रिवर। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे पूछ रहा है दैट वाई इज द डेल्टा ऑफ द इंडस, जो डेल्टा है इंडस का उसको स्मॉल कंपेयर किया जाता है टू द डेल्टा ऑफ गंगा। ठीक है, क्यों इंडस के डेल्टा को हम लोग कम कहते हैं एज कंपेयर टू जब हम उसको गंगा के साथ मिलाते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि इंडस जो है ट्रांसवर्स जो है शॉर्टर डिस्टेंस कवर करती है देन द गंगा। इंडिया जो इंडस है इज नॉट अ ब्रॉड एज गंगा, इंडस जो है उतना ब्रॉड नहीं है जितना कि गंगा है। पाथ ऑफ द इंडस इज थ्रू एरिड एरिया, जो पाथ है इंडस का वो एरिड एरिया में से निकलती है, वेयर एज द गंगा जो है वो कलेक्ट मोर वाटर अलोन इन इट्स पाथ दीज एयर। कहता है जहाँ से आपकी इंडस निकलती है वहाँ पर वो पानी उसको मतलब उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत कम है, और ऑन द अदर हैंड अगर हम गंगा की बात करें तो वो जिन रास्तों से निकलती है वहाँ पर वो दूसरे रिवर से पानी को जो है वो कलेक्ट करती है, या ऑप्शन सी डी है दैट इज नन ऑफ द अबो। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या बनता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर, के जो पाथ है इंडस का वो एरिड एरिया में से है, ठीक है, सूखे एरिया में से है, जबकि गंगा जो है वो बहुत सारा पानी जो है जब वो रास्तों में से जैसे यमुना उसके साथ ज्वाइन करती है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की जो उसको अलग अलग टाइम पर जो है उसको अलग अलग जगहों पर जो है उसको ज्वाइन करती हैं। क्लियर है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। इंडियन रिवर ऑफ द इंडस बेसिन, और जो रिवर्स इंडियन रिवर्स बताने हैं इंडस बेसिन में, जो इंडियन बेसिन में जाते हैं उनके नाम बताइए। सो देखिए सतलुज है, ब्यास है, रावी है, गंगा है, तो आपको पता है गंगा तो जाएगी नहीं बिकॉज इंडियन रिवर अगर हम जिस इंडस की बात कर रहे हैं तो ये बे ऑफ अरेबियन सी में जा रहा है, ठीक है, और गंगा अरेबियन सी में जाती नहीं है तो गंगा होगा नहीं, इट मीन्स ये वाला तो आपका गलत है। उसके बाद बेतवा सन कोसी देखे तो ये भी मुश्किल ही लग रहा है, ठीक है, गोमती कोसी एंड गंडक ये भी नहीं होंगे, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों, इसमें सतलुज है, ब्यास और रावी है जो इंडस को ज्वाइन करती है, एंड देन ये सारे के सारे जो है कहां जाते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ऐसे करके इधर की तरफ जो है फ्लो कर रहे, बाकी ये रिवर देखें तो ये इस तरफ जो है वो फ्लो करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन फोर का आंसर क्या है, बिल्कुल सतलुज, ब्यास और रावी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव, एंड क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे पूछ रहा है वन ऑफ द स्टेट नॉट बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको पता है कुछ इस तरीके से आपकी स्टेट्स हैं इंडिया में, एंड ये ऐसे निकलकर जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंड मैंने आपको बताया भी था दैट कौन कौन सी स्टेट्स में से ये निकलता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए इज उड़ीसा, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये गुजरात से निकलता है, बिल्कुल निकलता है, राजस्थान से भी निकलता है, देन मध्य प्रदेश से होते हुए यहाँ इस तरफ वेस्ट बंगाल से भी निकलता है, उड़ीसा बिल्कुल नीचे है तो ये वहाँ पे नहीं जाता है, इट मीन्स कि उड़ीसा इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपने मैप पर
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखा होगा अगर आपने, मैंने एक मैप भी दिखाया था जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, उस टाइम पर मैंने प्रॉपरली बताया भी था कि कौन कौन सी स्टेट्स प्लस कौन कौन सी सिटीज से ये निकल कर जाता है। सिटीज भी मैंने करवाई हुई हैं एंड मैंने स्टेट्स भी जो हैं वो करवाए हुए हैं। सो इसमें राइट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल यूज ऑफ द हिमालयस टू इंडिया। इंडिया के नॉर्थ में हम देखते हैं यहां पर माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, इनका इंडिया के लिए क्या मतलब सबसे बेनिफिट है, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। योर ऑप्शन ए इज प्रिवेंशन ऑफ द इन्वेजन, इन्होंने हमें इन्वेजन से बचाया है, वैल्युएबल सोर्स ऑफ टिम्बर है हमारे लिए ये, दे प्रिवेंट द मॉनसून फ्रॉम क्रॉसिंग टू द नॉर्थ एंड ऑल्सो सर्व एज द रिजर्वायर ऑफ वाटर फ्रॉम विच अवर पैरेलल रिवर्स फ्लो, या डी दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द आइसी कोल्ड नॉर्थ विंड से बचाता है। सो ऑप्शन नंबर सिक्स का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या बन रहा है, ये हमें क्या करता है जो हमारे, ये हमें क्या है, दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द आइसी कोल्ड नॉर्थ विंड से भी बचाता है हमें, ये भी हमारा जो है राइट आंसर है, ठीक है। दे प्रिवेंट मॉनसून फ्रॉम क्रॉसिंग टू द, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात हो रही है, तो इसमें मैं सी के साथ जाऊंगा कि ये मॉनसून को क्रॉस नहीं होने देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सारा का सारा मॉनसून इंडिया में ही बरसता है, और इसका हमारे लिए ये सबसे बड़ा फायदा है गाइस, ठीक है, क्लियर हुआ। हालांकि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो वो आपको ऐसे भी दे सकता है, वन और टू ऑल ऑफ द बो, है ना, ऐसे भी आ सकता है, तो आपने उसके साथ भी जाना है। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं, अ रेन शेडो रीजन गेट्स, जब हम रेन शेडो की बात करते हैं, मान लीजिए ये पहाड़ है आपका, ठीक है, मैं ऐसे करके बता रहा हूँ, ये पहाड़ है आपका, यहाँ से हवा जाएगी एंड यहाँ से बारिश, हवा पास नहीं हो पाती है, यही मैंने क्लाइमेट में आपको बताया था, और यहाँ पर सारी बारिश होती है, इस एरिया को हम रेन शेडो एरिया कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, रेन शेडो एरिया क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, नो रेन होगा यहाँ पर, क्या होगा, नो रेन होगा। तो बताइए इनमें से आपको कहीं पे दिख रहा है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल होगा रेन शेडो में, रेनफॉल सिक्स मंथ इन ईयर में होगा, रेनफॉल ऑल द ईयर होगा, स्कैंटी और नो रेन होगा, बिल्कुल आपको डी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें आप किसके साथ जाओगे, स्कैंटी और नो रेन के साथ जाओगे, ऑप्शन डी के साथ, क्लियर हुआ गाइस। तो देखिए इस तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट की तरफ, और क्वेश्चन नंबर एट आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर एट आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया इज जियोलॉजिकली द ओल्डेस्ट। इनमें से चार ऑप्शंस में से सबसे पुराना जो जो फिजियोग्राफिकल फीचर क्या है इंडिया का, हिमालयन माउंटेन एंड चेन, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन। तो मैंने आपको बताया था दैट हमारी फॉर्मेशन जो हुई है माउंटेन्स की, वो जब प्लेट हमारी, ठीक है, ये जो प्लेट थी हमारी इंडिया की, ये जाकर जब इससे टकराई थी तो माउंटेन बने हैं, इट मींस ये वाला पोर्शन हमारा सबसे पुराना है, मींस हमारी जो ट्रायंगल है इंडिया की शेप, जो इंडिया का ट्रायंगल शेप है ये वाला, ये सबसे पुराना होगा, क्योंकि ये जाकर यहाँ पर प्लेट से टकराएगा तो माउंटेन बनेंगे ना, है ना, माउंटेन तब बनेंगे, तो ये न्यू फॉर्मेशन है, तो ये सबसे पुराना है, ये ट्रायंगल हमारी सबसे पुरानी है, तो इट मींस जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो सबसे पुराना है, यही इसका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर एट का क्या बन रहा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, ये भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, अगर जिन जिन बच्चों ने इसको नहीं समझ आया है, यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक बार जाकर YouTube पर जो हमारा चैनल है वहाँ पर अभी रिसेंटली मैंने ज्योग्राफी करवाई है, तो उसको जाकर देखें, वहाँ पर इनको समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, एंड क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्या, ओके गाइस, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर, एंड क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू ग्रीनविच मीन टाइम। क्या वो 5.5 आवर स्लो है, 11 आवर फास्ट है, 5.5 आवर फास्ट है, या 11 आवर स्लो है। सो इसका आंसर क्या बन रहा है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज 5.5 आवर फास्ट है, हम अहेड हैं उनसे, आगे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ, अहमदाबाद जो एक काफी इंपॉर्टेंट सिटी है इंडिया की, ठीक है, वो कौन से रिवर पर जो है वो सिचुएट है, क्या वो साबरमती पर है, माही पर है, लूनी पर है, या जो आपका अलकनंदा है ये, ठीक है गाइस, ये नंदा लिखा हुआ है लेकिन ये अलकनंदा है, ठीक है, क्या है इसका नाम, अलकनंदा रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है, अलकनंदा याद रख लेना इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बन रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बन रहा है आपका साबरमती, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साबरमती रिवर के बिल्कुल बैंक पर सिचुएटेड है आपका अहमदाबाद, और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो थोड़ा ध्यान रखिएगा,
कौन सी मेजर सिटी जो है कौन से रिवर के ऊपर सिचुएट करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है दैट शिव समुद्रम वॉटरफॉल्स इज ऑन द रिवर, कौन सी रिवर पर है आपका शिव समुद्रम वॉटरफॉल। तो ऑप्शंस हैं कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। सो गाइस, इसका राइट आंसर क्या बन रहा है? इसका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन डी, दैट इज कावेरी रिवर के ऊपर है शिव समुद्रम वॉटरफॉल। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज भी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगला जो क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन नंबर 12 है दैट इज यंगेस्ट रिवर इन इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम, जो यंगेस्ट रिवर्स इंडिया के हैं वो कहां से निकलते हैं, ईस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट से, हिमालयन से या डेक्कन प्लेट्यू से। तो आपको पता है कि यंगेस्ट अगर हम बात कर रहे हैं रिवर्स की तो दे ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस। ठीक है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे के सारे हिमालयन रिवर्स हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको हिमालयस के साथ ही जाएंगे गाइस। क्लियर है, ये तो फैक्ट है, आपको पता भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है दैट इंडिया जो है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है दैट इंडिया की अगर हम बात करें हैज एन एंडलेस ग्रोइंग सीजन बिकॉज, हमारे पास एंडलेस जो सीजन है वो क्यों है। इट एक्सपीरियंस द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है हम इंडिया में, तभी ऐसा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज अनइवन है, यहाँ पर जो बारिश है वो अनइवन होती है, या टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर और फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, या यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो पूरे साल में ऐसा रहता है कि जैसा पेड़ों के लिए अच्छा होता है ग्रोथ होने के लिए उनके अकॉर्डिंग देखें तो उनके लिए सही है, या डी इट्स सॉइल इज वेरी फर्टाइल द ग्रीन द ग्रेटर पार्ट बींग ऑलिव ऑयल, या इसकी जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है और इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो ऑलिव ऑयल सॉइल का है। सो इसमें राइट आंसर क्या है, इसका है सी, दैट इज टेम्परेचर जो है हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है फेवरेबल ग्रोथ होती है प्लांट्स की, जो हमारे यहाँ पर सीजन को एक जैसा बरकरार रखने में मदद करते हैं, जो भी है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है दैट अक्टूबर हीट इज कॉज ड्यू टू, अक्टूबर हीट किस वजह से होती है, एब्सेंस ऑफ रेन की वजह से, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव ह्यूमिडिटी की वजह से, ड्राई हॉट वेदर की वजह से, या नन ऑफ दीज की वजह से। सो इसका राइट आंसर क्या है, अक्टूबर हीट क्यों होगी, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो गर्मी ज़्यादा होगी, ये तो आपको भी लॉजिक भी पता है। सो एब्सेंस ऑफ द रेन जो होगा, जब बारिश नहीं होगी तो गर्मी बढ़ेगी, एंड गर्मी से क्या होगा अक्टूबर हीट जो है वो, मतलब गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है उसको टर्म यूज़ किया गया है अक्टूबर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अक्टूबर हीट, और ये किस वजह से होती है, जब बारिश नहीं होती है। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है दैट द प्लेस इन इंडिया रिसीविंग द लोवेस्ट रेनफॉल इज, सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा आपको पता है कमेंट में बता सकते हो, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है। योर ऑप्शन इज ले, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं गाइस, सबसे कम बारिश होती है ले में, ये आपको पता है, ये फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है दैट जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है विच कॉज विंटर रेन इन इंडिया ओरिजिनेटिंग, आपको पता है सर्दियों में अब जम्मू एंड कश्मीर में भी बारिश होने वाली है, तो बोलता है ये सब किसकी वजह से होता है, क्या ये जो हमारा विंटर रेन जो होता है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंसेप्ट है, हम इसको कहते हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट कहाँ होता है, ये कहाँ से निकलता है, क्या ये पाकिस्तान में होता है, बे ऑफ बंगाल में होता है, वेस्ट एशिया में होता है, या आपके हिमालयन रीजन में होता है। तो आपको मैं बता दूं गाइस, ये सारा का सारा कहां पर होता है, वेस्ट एशिया में कहता है, मेडिटेरियन सी में, एंड वहां से ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, एंड इट कॉज रेन इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन। अभी सर्दियों में जो बारिशें होंगी वो कहां से आएंगी, वेस्ट एशिया, मेडिटेरियन सी से आएंगी, ये आपको पता है, यहां से वेस्ट से वेस्ट याद रख लीजिए, तब भी आप इसका आंसर जो है वो दे सकते हो। क्लियर हुआ, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज, राजस्थान में बहुत कम बारिश पड़ती है, उसका रीजन क्या है, इट इज टू हॉट, क्या वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, देर इज नो वाटर अवेलेबल एंड दस द विंड्स रिमेन्स ड्राई, वहां पर कोई पानी नहीं है इसलिए वहां पर जो हवाएं हैं वो काफी ड्राई रहती है, मॉनसून फेल टू रीच इट्स एरिया, मॉनसून वहां पर पहुंच नहीं पाता है, विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू द कूल द विंड्स, या वहां पर कोई बैरियर ही नहीं है जिसकी वजह से वहां पर क्या हो सकता है कोई मतलब ऐसी कंडीशन ही क्रिएट ना हो पाए कि हवाएं ठंडी हो जाए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बनता है डी। ठीक है ना, देखो अब वहां पर क्या है, राजस्थान में जो अरावली रेंजेस है वो ऐसे हैं,
अगर वो ऐसे हैं तो हवाएं यहाँ से आएंगी तो वो उसको क्रॉस करके निकल जाएंगी। अगर वो बैरियर अगर ऐसे होता तो इसको टकराती, ऊपर जाती, ऊपर ठंडी होती तो इस एरिया में बारिश होती। सो यही इसका है कि वहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं है, इस वजह से वहाँ पर क्या है गाइस, सबसे ज़्यादा सबसे कम बारिश जो है वो होती है। ये मैं भी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है दैट ब्लैक सॉइल और आइडल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एज क्यू, क्यों आपकी ब्लैक सॉइल जो है उसको माना जाता है कि वो कॉटन की वहां पर खेती जो है वो अच्छे से होती है। योर ऑप्शन इज देयर कलर इज ब्लैक, क्यों उनका कलर ब्लैक है, इसलिए दे कैन रिटेन मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को रिटेन करके रख सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ लावा है और दे आर फाउंड ऑन द प्लेट्यू रीजन, या वो प्लेट्यू रीजन पर है। तो इसका साइंटिफिक आंसर है दैट दे कैन रिटेन वाटर, वो पानी मॉइस्चर मतलब पानी को अपने अंदर सोक करके मॉइस्चर को लंबे समय तक अपने अंदर रख सकते हैं, जो कॉटन के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ गाइस? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज क्यूडुपा जो है रेंजेस लाइज बिटवीन, ये कहां पर है? क्यूडापा जो आपके कुडापा रेंजेस हैं ये कहां पर हैं? गोदावरी और पालकोंडा रेंज के बीच में, गोदावरी एंड जमशेदपुर के बीच में, पलार एंड कावेरी के बीच में, सतपुरा और महादेव माइकाल रेंज के बीच में है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, ये है आपकी गुजरात और पालकोंडा रेंजेस के बीच में, ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, इनको देख लेना एक बार मैप पर, ये चीज़ें ऐसे याद नहीं रहती हैं, इनको एक बार मैप पर देख लो तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, एंड क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि लिटोरल जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पर अक्कर कहाँ पर बनते हैं? ऑन हिल्स के ऊपर, अलोंग द सी कोस्ट एंड टाइडल क्रीक्स के पास, वेयर द रेनफॉल इज हैवी, जहाँ पर रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है, एट एलिवेटेड प्लेसेस। तो इसका राइट आंसर क्या है, अलोंग द सी कोस्ट एंड टाइडल क्रीक्स में आपके लिटोरल फॉरेस्ट जो हैं वो फॉर्म होते हैं। तो ये याद रखना आज के बाद, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में एक लिटोरल फॉरेस्ट होता है, एंड लिटोरल फॉरेस्ट कहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर आपके क्या होता है सी कोस्ट के साथ मिलता है, मतलब ये सी है और यहाँ से आगे आपका कोस्ट स्टार्ट होगा, यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे वो कौन से होंगे, लिटोरल फॉरेस्ट जो हैं वो होंगे। याद रखना गाइज, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तभी मैं आपसे ये चीज डिस्कस कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। भीमताल इज द, भीमताल क्या है? रिवर इन द वेस्ट बंगाल है, लेक अराउंड द नैनीताल है, स्ट्राइक वैली है और पास इन द कश्मीर है। तो भीमताल क्या है? भीमताल लोकताल के साथ मत चले जाना कि लोकताल लेक है तो ये भी लेक होगा, नहीं, इट्स अ स्ट्राइक वैली है ये। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्ट्राइक वैली क्या होता है, ये आपका, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर लिख सको, गूगल कर लो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, स्ट्राइक वैली क्या होता है आप मुझे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है दैट इज चंदर और भागा दो स्ट्रीम्स हैं जो मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, क्या वो रिवर झेलम को बनाती हैं, इंडस को बनाती हैं, रावी को बनाती हैं या चेनाब को बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही, जो बच्चे अपने मन में आंसर दे रहे हैं दैट चेनाब इसका राइट आंसर है, पढ़ी हुई चीज़ है ना, तो याद तो आएगी। तो बेसिकली क्या है, चंदर और भागा दो रिवर्स हैं और यहाँ से आगे दे फॉर्म चेनाब, ये चेनाब बनता है। ठीक है, चेनाब यहाँ से बनता है, दिस इज चंदर, दिस इज भागा, ठीक है, दो स्ट्रीम्स हैं रिवर की और यहाँ पर आते जुड़ जाती हैं और यहाँ से आगे चनाब को ये फॉर्म करती हैं। ठीक है, लाहौल स्पीति में जो है इनकी फॉर्म में जो है ये रिवर यहाँ से निकलता है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, एंड क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द बे ऑफ बंगाल आर यूजुअली कॉल्ड, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं उनको अक्सर क्या कहा जाता है? इज दे कॉल्ड टाइफोन्स, हुरिकेन्स, डिप्रेशन और टोर्नेडोज? सो उनको हम क्या कहते हैं? बिल्कुल, उनको हम कहते हैं हुरिकेन्स। क्या कहते हैं? हुरिकेन्स। काल बैसाखी का नाम जरूर सुना होगा आपने, वही होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो मॉनसून से आने से पहले जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं, उनसे जो तूफान उठता है उनको हम ह्यूरिकेन्स कहते हैं या काल बैसाखी इसमें कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर इज पिगमिलियन, जो आपका पॉइंट है जिसको हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, वो कहाँ पर लोकेट करता है? लक्षद्वीप में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, रामेश्वरम में है या पॉइंट कैलिमर में है? सो गाइज, यहाँ पर आपको ना याद होना चाहिए दैट ये कहाँ पर है, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार, दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन बाउंड्री। ये क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन बाउंड्री का, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन टेरिटरी का, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, इंडियन टेरिटरी का, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये इंडियन टेरिटरी का, कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार, मेन लैंड जो अगर पूछे आपसे कोई तो मेन लैंड का कहां पर है, बिल्कुल कन्याकुमारी, ठीक है, ये ऐसे याद रखिए, अगर मेन लैंड का पूछता है तो यहां पर कन्याकुमारी है, एंड यहां पर देखोगे तो ये नीचे है, यहां पर अंडमान निकोबार, दिस इज आपका पिग्मिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, ये कहां पर है, अंडमान निकोबार में। अगर आपको पूछता है कि इंडिया का मेन लैंड का साउदर्न सेंटर कहां है तो आप कन्याकुमारी लिखोगे, लेकिन अगर इंडियन बॉर्डर का पूछता है, बाउंड्री का पूछता है, तो फिर आप पिग्मिलियन पॉइंट पे जाओगे। क्लियर हुआ ये चीज भी आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 एंड 25 आपसे पूछता है द फाइनेस्ट नेचुरल हॉबर इन इंडिया इज, इनमें से सबसे नेचुरल हॉबर कौन सा है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या कोचीन, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, तो ये क्या है, मुंबई गाइस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये क्या है, फाइन सबसे अच्छा नेचुरल हॉबर है इंडिया का, पोर्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आगे वाला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है हिमालयंस आर कंसीडर एज, हिमालयन को हम लोग क्या कहते हैं, विच टाइप ऑफ माउंटेन्स हैं ये, रिलीफ है, सबमरीन है, वोल्कोनिक है या टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, तो आपको पता है ये प्लेट्स टकराई थी तो हम टकराने से जो चीजें बनी तो टेक्टोनिक आई, तो ये प्लेट टेक्टोनिक माउंटेन्स हैं, क्या है गाइस, प्लेट टेक्टोनिक जो है आपके माउंटेन्स है, हिमालयस आर प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, टाइप्स ऑफ माउंटेन है, ठीक है, एंड यंग फोल्ड माउंटेन भी है ये, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए एंड क्वेश्चन नंबर 27 है द फेमस नेकी लेक इज इन, कहां पर है फेमस नेकी लेक, नैनीताल में, मसूरी में, ऋषिकेश में या पुष्कर में, ठीक है, तो 27 का आंसर क्या है, बिल्कुल नैनीताल, कहां पर है, नैनीताल में है आपकी कौन सी, नाकी लेक, ठीक है, तो ये लेक्स वेक्स का तो आपको पता ही होगा, मोस्टली आपने पढ़ी ही होंगी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, इतना तो पढ़ा ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए, डैश इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, सॉरी गाइस, सो डैश जो है उसको हम क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी कहते हैं, क्या है वो, कोचीन है, मुंबई है, मैंगलोर है या सूरत है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है, बिल्कुल आपका जो कोचीन है उसको हम क्या कहते हैं, कोची जो है, कोचीन इज द नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी हम इसको कहते हैं, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29 एंड दैट इज हिमांद्री इज द टर्म बाय, हिमांद्री इज द टर्म बाई विच ऑफ द डैश और नो, इनमें से किसको हम लोग हिमांद्री कहेंगे, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स को कहेंगे, शिवालिक रेंज को कहते हैं, मिडल हिमालयाज को कहते हैं या ग्रेट हिमालयाज को कहते हैं, तो आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है दैट ग्रेट हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज हिमांद्री, ठीक है, सो राइट आंसर क्या है, ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछ रहा है, दैट इज विच इंडस्ट्री प्रोवाइड जॉब्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, इंडिया में किस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा लोगों को जॉब दी हुई है, आयरन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, टी प्रोसेसिंग, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका बिल्कुल कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल ने सबसे ज्यादा लोगों को जो है वो काम दिया हुआ है इंडिया में, क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 31 एंड 31 आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर इज द आरवी अर्थ स्टेशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या गुजरात में, तो मैं इसका आपको राइट आंसर बता दूं, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट गुजरात, याद रखना आरवी कहां पर है, आरवी किसी लड़की का नाम है एंड आरवी कहां रहती है, गुजरात में, वो वहां उसने एक स्टेशन बनाया हुआ है जहां से वो सैटेलाइट जो है कम्युनिकेट करती है बाकी लोगों के साथ, ठीक है, इसको ऐसे ही भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, वेयर वॉज द इंडियाज रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन सेटअप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछा भी गया है, तो कहां पर है, श्रीहरिकोटा में है, आरवी में है, तुम्बा में है या पोर्ट ब्लेयर में है, तो ये कहां पर है, श्रीहरिकोटा, एक बार मैप पर जरूर देख लेना गाइज इन चीजों को, इनकी इमेजेस देख लो क्या होता है वहां से, इंडिया के जितने भी रॉकेट्स लॉन्च होते हैं वो इसी जगह से होते हैं, ठीक है, ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में ये कौन सी स्टेट में है, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, ये भी पूछ सकता है श्रीहरिकोटा जो है वो किस स्टेट में लोकेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इज नेम्ड, इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था, उर्वशी था, अप्सरा था, कमानी था या रोहिणी थी, तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है, बिल्कुल अप्सरा, तो अप्सरा कहां रहती है, ठीक है, स्वर्ग में रहती है, तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम भी अप्सरा इसीलिए रखा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है,
क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दे दीजिए. क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट नेविगेबल इन इंडिया. इंडिया में इनमें से कौन से रिवर पर नेविगेबल नहीं होते हैं? क्या ब्रह्मपुत्र नहीं होता, गोदावरी या नर्मदा या चन्हाब? तो इन चारों ऑप्शन में से चन्हाब जो है वो नेविगेबल नहीं है, ठीक है. उसके अलावा इन सब पर जो है वो नेविगेशन होती है जाए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 35 है, इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. और इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए अगर इकोनॉमिकली, तो कौन से फॉरेस्ट इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या टाइडल फॉरेस्ट है, थॉर्न फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेकेडेशियस फॉरेस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है? तो आपको पता होना चाहिए जो ट्रॉपिकल डेकेडेशियस फॉरेस्ट है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है ये मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद है. इनके हमारे लिए बहुत सारे मतलब हमारी जो जैसे आपके बात की जाए रबड़ की, गम की एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग जो हैं इन फॉरेस्ट से जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो इन्हीं फॉरेस्ट से आता है. सो ट्रॉपिकल डेकेडेशियस फॉरेस्ट और वेरी इकोनॉमिकली गुड फॉर इंडिया. सो 36 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया. ये तो आपको पता होना चाहिए एंड ये आपका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. ये तो सबको पता होता है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओ दैट विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ द इंडिया. तो किस किस स्टेट को कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 37. एंड 37 का आंसर क्या है, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मैनसरी डैम वॉज. इंडिया का सबसे बड़ा मैनसरी डैम क्या है? हीराकुंड है, भाखरा नंगल है, नगर अर्जुन है या आसवान है? तो इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल नगर अर्जुन सागर जो है ये हमारा सबसे बड़ा क्या है, लॉन्गेस्ट मैनसरी जो है वो डैम है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए, इन इंडिया डायमंड्स आर फाउंड एट. इंडिया में डायमंड कहाँ मिलते हैं? पन्ना में, गोलकोंडा आंध्र प्रदेश में, खेतरी में राजस्थान या नन ऑफ दीज? तो आपको बताया पन्ना जो है डायमंड का काम करते हैं, ठीक है. तो हम उनको कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में. तो 38 का आंसर क्या है, पन्ना इन मध्य प्रदेश में आपको डायमंड मिलेंगे. नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज 29. एंड 29 क्या कहता है, वेयर इन इंडिया इज अ इज माइक माइंड. ठीक है, इंडिया में माइक जो है ये कहाँ पर निकाली जाती हैं, ठीक है. नसीराबाद, राजस्थान, गया, बिहार, निलोर, आंध्र प्रदेश या ऑल ऑफ द अबो? तो आपको पता है कि ऑल ऑफ द अबो इन तीनों जगहों पर जो है हम लोग माइक जो है वो उसकी जो है खाने हैं और वहीं से हम इन चीज़ों को निकालते हैं. तो ये तीनों जगहों पर जो है आपको माइक जो है वो मिलेगी, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या लाए हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 40. रेलवे पैसेंजर कोचेज जो है इंडिया में कहाँ पर बनती हैं? योर ऑप्शन इज वाराणसी, चितरंजन या आपका फेरामपुर है, बुर है या कोलकाता है? तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल फेरामपुर जो है वहाँ पर बनते हैं. ये कौन सी स्टेट में ही आप मुझे कमेंट करके बताओ, कौन सी स्टेट में है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये कौन सी स्टेट में है जहाँ पर आपके रेलवे कोचेज बनते हैं, ठीक है गाइज. तो ये थे आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू जो मैं लेकर आया था. एंड आई होप गाइज कि आपको ये एमसीक्यू जो है वो सही लगे. बाकी किसी को कोई डाउट हो तो वो एक बार कमेंट भी कर सकता है, हम उसको जो है उसको पिन आउट कर लेंगे एंड वी विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है. कभी कभी यहाँ पर जो है मिस प्रिंट भी होता है, ठीक है ना. तो इसकी प्रॉपर पीडीएफ जो है वो आपको हमारे जो है ऐप पर जो हमारा स्टडी मटेरियल है उस पर जाके मिलेगी, ठीक है गाइज. बाकी आपको साथ साथ जो है बाकी चीज़ें भी प्रोवाइड हो रही हैं. एंड गाइज अगेन मैं यही इस वीडियो में आपको कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को लाइक करो एंड जितने बच्चे हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए. बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम जो है वो आपके जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रहे, आप अच्छे से पेपर दो, आप अच्छे से एग्ज़ाम निकालो, यही हमारी आपसे उम्मीद है. सो गाइज फॉर फर्दर अपडेट जुड़े रहे जेके एग्जाम क्रैकर के साथ. एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड गाइज टेक केयर, हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.